और ये फटे पुराने कपड़ों से भी बना सकती हैं या पुराने ऊन से भी बना सकती हैं। ये देखें ये कितनी गुदगुदी है, ये देखें। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। आइए मैं इसको बनाना सिखाती हूँ। ये देखो मैंने सोफा कवर लिया है, ये पुराना है फटा हुआ, और इस पर मैं दरी या पैरदान वगैरह इस पर बनाएंगे। ये देखें दरी किस तरह से बनाएंगे। ये टोटल इसकी ये जो चौड़ाई है वो 60 सेंटीमीटर है। ये देखो अब हम इस पे चार क्यू बनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 60 सेंटीमीटर वाली चौड़ाई है, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ से, ये देखें इस तरह से ये चौक हो, या आपके पास पेन वगैरह हो उससे इस तरह से टिक लगा। अब इसी तरह से हम ये देखें, ये देखें 15 सेंटीमीटर यहाँ से इस तरह से हमें चार क्यू बनाने हैं। एक बन गया है, इसी तरह से मैं बना लेती हूँ फिर दिखाऊंगी। देखो हमने इस तरह से ये 15-15 सेंटीमीटर के क्यू बना लिए हैं। एक चार बन गए, एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार, इसी तरह से हमें पूरे पे बनाना है। अब मैं इसको बनाना बता, ये देखो क्यू को इसको बनाने के लिए ये चाहे फेदर क्यू इस्तेमाल करें, चाहे ये पुराने कपड़े हैं, ये देखें इससे आप बना सकती हैं, या पुरानी ऊन वगैरह हो बची कुची ऊन उससे भी बना सकती हैं, जो भी आपके पास हो उससे ये बन सके। क्यू को भरने के लिए ये देखें हमने फेदर की ली है, तो 15 सेंटीमीटर पे ये इस तरह से हम अंगूठे से दबा लेंगे और इसको हम इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक लपेट लेंगे, इसी तरह से लपेटना है, थोड़ा पास पास लपेटना है। देखे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे लगा दी, देखो हॉट ग्लू गन मैंने लगा ली है। अब इस तरह से हम इसको और इसको हम यहाँ से कैंची से कट करेंगे। इस तरह से इसको कट कर लेंगे, जहाँ धागे नहीं कट पाए हैं वहाँ दोबारा से कट कर लेंगे। ये देखो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर लिया, अब इसको पलट कर, अब इसको हमें पक्का करना है ताकि हम आराम से इसको मशीन वगैरह में धुल सकें। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलना है। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलना, अब इस धागे को हम कट कर और इसको हम इस तरह से कर लेंगे, तो धागा नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। इसी तरह से हम ये पूरा भर लेते हैं, फिर आपको दिखा देंगे। यहाँ तक मैंने बहुत दूर दिखा दिए और इसको ये देखो इस तरह से हम करते जाएंगे और चिपका देंगे, फिर इसको कैंची से कट कर देंगे। देखें इसी तरह से हम कट कर लेते हैं, तो देखो और फिर से
से यहाँ से देखिए यहाँ तक सिलाई मारेंगे और फिर हम इस तरह से कर देंगे। फिर इधर हम पूरा ये क्यू भर लेते हैं, फिर आपको ये देख इसी तरह से इसको भी बनाना है। आप चाहें तो ये बहुत जल्दी बन सकता है। मैंने पूरे पे लपेट लिया है, आप हॉट ग्लू गन से इस तरह से हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सिल दूंगी। इसी तरह से भरना है तो मैं भर लेती हूँ, फिर दिखाऊं। ये भी हमने क्यों पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जिस तरह से हमने पहला बनाया था उसी तरह से हमें ये वाला क्यों, फिर लास्ट में ये वाला, फिर इसके बाद में अब जैसे जो ये क्यों बनाया है तो यहाँ पे ये वाला क्यों यहाँ पे बन गया और ये वाला क्यों यहाँ पे बन गया। इसी तरह से ये खाने भरे जाएंगे तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाऊं। इसी तरह से लगेगी, आप जब बना लोगी तो इसी तरह से ये लगेगी।